अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? इस वक्त मैं पेनांग में हूँ। आई बीन हेयर कपल ऑफ टाइम्स, फैमिली के साथ भी आया हूँ और काम के सिलसिले में भी आता हूँ, बट कभी मैंने ब्लॉग नहीं बनाई। डिफरेंट स्टोरीज़ वगैरह ज़रूर लगाई हैं बट ब्लॉग नहीं बनाई, तो बिज़ी था शायद। लेकिन इस दफ़ा मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैंने कहा ब्लॉग बनाना शुरू करते हैं, देखें कितनी बना पाते हैं और फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो पेनांग जो है ये नॉर्दर्न साइड के ऊपर है मलेशिया की। कुआलालंपुर से अगर आप ड्राइव करके आते हैं तो आपको 4-1 घंटे लगते हैं। काफ़ी सीनिक व्यूज़ हैं, सो रोड ट्रिप भी बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप फ़्लाइट लेके आते हैं केएल से तो 1 घंटे की फ़्लाइट है। मैं कल आया हूँ यहाँ पर, बट आई केम फ्रॉम जकार्ता। काम था यहाँ पर भी, वहाँ पर भी। 3 घंटे की फ़्लाइट थी जकार्ता से। फ़्लाइट्स काफ़ी चीप हैं यहाँ पे, एयर एशिया और बातिक एयर, ये दोनों एयरलाइंस जो हैं आप लोग ले सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली बीच सिटी है, सो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वीकेंड्स के ऊपर काफ़ी लोग यहाँ पे आ जाते हैं, काफ़ी होटल्स वगैरह हैं। अभी मैं मर्क्योर बीच के ऊपर हूँ, बातू फिरंगी साइड के ऊपर, और यहाँ पर मर्क्योर होटल है, वहाँ पर मैं रह रहा हूँ। वेरी प्रिटी। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं। अभी पानी के अंदर जाके थोड़ा सा मैं रीसेट होऊंगा और सनसेट के भी थोड़े से व्यूज़ वगैरह लेंगे, तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। होटल का अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये येलो कलर की होटल की बिल्डिंग है और यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। सो पेनांग के अंदर जॉर्ज टाउन ज़रूर विज़िट कीजिए। जॉर्ज टाउन जो है वो यूनेस्को हेरिटेज के अंदर भी उसकी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स आई हुई हैं और काफ़ी आपको जो है यूरोपियन एशियन मिक्स आपको वहाँ पे आर्किटेक्चर मिलेगा, स्ट्रीट आर्ट मिलेगी, क्लबिंग वगैरह का अगर आपको शौक़ है वो वहाँ पे मिलेगी। फूड की बात करें, मलेशिया में कहते हैं सबसे अच्छा फूड आपको पेनांग में मिलता है। अच्छा है फूड यहाँ का, नाइट लाइफ बहुत वाइब्रेंट है, और क्योंकि आयरलैंड है यहाँ पर तो हर वक्त टूरिस्ट वगैरह आए हुए होते हैं। इट्स रियली नाइस, इट्स रियली ब्यूटीफुल। वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी कर सकते हैं, डिफरेंट होटल्स आपको डिफरेंट किस्म की वाटर स्पोर्ट्स भी करवाते हैं। तो कई लोग इस सिटी को एज अ रिटायरमेंट प्लेस के तौर पर भी प्रेफर करते हैं, और एट सम पॉइंट इन टाइम शायद मैं भी करूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिटायर समवेयर नियर द बीच। सो यहाँ आपको काफ़ी सीनियर सिटीजन भी मिलेंगे। अभी हम लोग गोरस बाजार सी के ऊपर आए हुए हैं। ये आइलैंड का एक ख़ास पार्ट है जहाँ पे डिफरेंट मॉल्स वगैरह हैं, और यहाँ रेस्टोरेंट में कुछ लोगों से मिलना था मैंने, तो फिर उनसे मैंने इजाज़त ली थोड़ी सी कि यार ज़रा व्यूज़ वगैरह चेक कर लो। सनसेट का टाइम है 7:30 का। आप देख सकते हैं माउंटेंस वगैरह और साथ ओशन। सो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको बहुत कम जगहों के ऊपर मिलेगा, ग्रीनरी माउंटेंस की और साथ इस तरह से ओशन। इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत सेटिंग है। यहाँ पे फैमिलीज वगैरह बैठी हुई हैं और शॉपिंग वगैरह करें और उसके बाद खूबसूरत से व्यूज़ वगैरह आप लोग इन्जॉय करें। ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं आया हूँ। जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लबिंग का भी बहुत सीन है यहाँ पे, तो अभी मैं आप लोगों को एक क्लब ले कर चल रहा हूँ।